वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ थर्मोडायनमिक्स तो प्रीवियस लेक्चर में हमने एंट्रोपी के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज डिफरेंट प्रोसेसेस में एंट्रोपी की कैलकुलेशन के लिए फार्मूला डिराइव किए थे अब देखते हैं कि वट आर द स्टेटमेंट्स ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनमिक्स देखिए सेकेंड लॉ की बहुत सारी स्टेटमेंट्स हैं अगर आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो फिजिक्स में भी आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द हीट इंजन कार्नट साइकिल वो पढ़ने को मिलेंगी ठीक है तो हम उनमें से कुछ स्टेटमेंट्स यहां पर डिफाइन करेंगे फर्स्ट इज नो प्रोसेस इज पॉसिबल इन विच द सोल रिजल्ट इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम अ रेजरवायर एंड इट्स कंप्लीट कन्वर्जन इन टू वर्क बोलने का मतलब यह है कि अगर आपके पास हंड्रेड जूल हीट आप कहीं से लेते हैं ठीक है या सिस्टम की बात करें कोई सिस्टम 100 जूल ऑफ हीट किसी रेजरवायर से लेता है तो इस 100 जूल ऑफ हीट को पूरी तरह से 100 जूल वर्क में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता ठीक है मतलब किसी भी प्रोसेस में हीट को पूरी तरह वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकता तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि हीट इज अ लोअर ग्रेड एनर्जी एंड वर्क इज अ हायर ग्रेड एनर्जी तो पूरी तरह हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते पर उल्टा पॉसिबल है 100 जूल वर्क को कंप्लीटली 100 जूल हीट में कन्वर्ट किया जा सकता है ठीक है पर जितनी हम हीट किसी भी सिस्टम में एब्सॉर्व करवाते हैं कुछ भी है तो सिस्टम के पास जो भी अमाउंट ऑफ हीट गेन हुआ है सिस्टम उसको कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा ठीक है ये एक स्टेटमेंट होगी सेकेंड लॉ की सेकेंड एंट्रॉपी ऑफ यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग इन अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंड रिमेन्स अनचेंज इन एन इक्विलिब्रियम प्रोसेस तो यूनिवर्स की एंट्रॉपी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में हमेशा इंक्रीज करती है यह हमने अभी डिराइव भी किया पर एक इक्वलिब्रियम प्रोसेस में देखिए जहां पर रिवर्सिबल केस था वहां पर डेल्टा एस यूनिवर्स जीरो आ रहा था और इिवर्सिबल केसेस के लिए डेल्टा एस यूनिवर्स पॉजिटिव आ रहा था ठीक है तो वो भी सेकेंड लॉक स्टेटमेंट होगी फिर हीट इंजन्स की अगर हम बात करें ठीक है हीट इंजनस तो ये देखो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट रिलेटेड है हीट इंजन क्या करता है जब आप आपके किसी भी गाड़ी की बात करें गाड़ी के इंजन की तो उसमें हम फ्यूल को बर्न करते हैं फ्यूल को बर्न करने पे क्या मिलती है हीट एनर्जी हीट को फाइनली हम वर्क में कन्वर्ट करते हैं तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट हमें मिलती है हम पूरी तरह उसको वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते तो प्रेजेंटली जितने भी आप ऑटोमोबाइल्स देख लो उनकी एफिशिएंसी मैक्सिमम थर्टी परसेंट के आसपास होती है जो फ्यूल पे चलने वाले हैं ठीक है थीके? मतलब हम हंड्रेड जूल अगर हीट जनरेट हुई है सिर्फ उसका तीस जूल ही वर्क में कन्वर्ट कर पा रहे हैं तो हम एफिशिएंसी को तीस परसेंट से बढ़ा सकते हैं पर उसको कभी भी हंड्रेड परसेंट नहीं कर सकते तो थर्ड स्टेटमेंट का भी अल्टीमेट मतलब यही है कि आपके पास जितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है उसको आप वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते कंप्लीटली ठीक है एंड ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस आर थर्मोडाइनेमिकली इिवर्सिबल कि जो भी स्पॉन्टेनियस हो रहा है प्रोसेस वो थर्मोडाइनेमिकली इिवर्सिबल ही होगा उसको रिवर्स नहीं कर पाओगे ठीक है तो नाउ यू कैन जस्ट नोट इट डाउन अब नेक्स्ट इज कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं टू अंडरस्टैंड कि जो हमने फॉर्मूलाज देखे हैं उनको कैसे अप्लाई करना है ठीक है इसके पहले एक चीज़ आपको ध्यान देने की एंट्रॉपी के केस में हो सकता है कि कुछ बच्चों को या मेजॉरिटी को कुछ डाउट्स हों कि स्टेट फंक्शन है फिर भी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट क्यों आ रहे हैं ठीक है तो अभी इनके बारे में ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है यू जस्ट नीड टू नोट डाउन द फॉर्मूलाज क्योंकि जितना आप एंट्रोपी के बारे में डिटेल में जाओगे इट विल बी वेरी वेरी मैथमेटिकल ठीक है तो फिर हमें क्रॉशियस इन इन पढ़नी पड़ेगी डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम लेके कि आइसोलेटेड में क्या हुआ क्या नहीं हुआ हीट इंजन के लिए डेरिवेशन तो एंट्रोपी के बहुत डिटेल में जाने में सिर्फ कंफ्यूजन ही बढ़ेगा क्योंकि अभी आप जिस क्लास में हैं हम इतना डिटेल मैथमेटिकल एनालिसिस नहीं समझ सकते ठीक है तो जस्ट फॉर्मूलाज याद कर लो अच्छे से एप्लीकेशन कैसे है वो समझ लो कंसेप्चुअल पार्ट एंड ट्रॉपी का क्या है वो समझ लो तो जितना भी आपको प्रीवियस लेक्चर में समझ आया है दैट इज मोर देन सफिशिएंट टू क्रैक जेई या नीट ठीक है जेई एडवांस्ड के लिए भी आई थिंक इतना सफिशिएंट है अनिल कोई ज्यादा ही कंसेप्चुअल चीज पूछ ली जाए ठीक है तो अब हम एनसीआरटी का एक एग्जाम्पल सिक्स है और उसमें थोड़ा सा कुछ एडिड प्रॉब्लम्स हैं तो इसको देखते हैं प्रोडेक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्रोपी इनक्रीजेज और डिक्रीजेज पहला केस अ लिक्विड क्रिस्टलाइजेज इंटू अ सॉलिड तो लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है तो सी बात है एंट्रोपी कम हो रही है क्योंकि सॉलिड में ज्यादा मॉलिक्यूल्स ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में रहते हैं उनके पास ज्यादा मूव करने की फ्रीडम नहीं होती ठीक है तो लेस फ्रीडम इन लेस डिसऑर्डर सेकेंड टेम्परेचर ऑफ अ क्रिस्टल सॉलिड इज रेज फ्रॉम जीरो कैलविन टू वन हंड्रेड फिफ्टीन कैलविन तो टेम्परेचर रेज करने के लिए डेफिनेटली हीट दी होगी ठीक है हीट देने के हीट देने पे मॉलिक्यूल्स के पास क्या आ जाता है रैंडम मूवमेंट्स क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी टेम्परेचर बढ़ेगा तो तो मॉलिक्यूल रैंडमली मूव करेंगे रैंडमली मूव करेंगे तो क्या होगा उनकी जो डिसऑर्डर है या एंट्रोपी है वो बढ़ेगी तो सेकेंड केस में एंट्रोपी बढ़ेगी इनक्रीजेज थर्ड में टू एन तो टू मोल सॉलिड के हैं उसको हीट करने पे वो एक मोल सॉलिड और एक मोल सी और एक मोल एच टू देखो ये दोनों गैसेस हैं तो रिएक्टेंट में आपके पास सिर्फ सॉलिड था प्रोडक्ट में आपके पास एक सॉलिड है पर दो मोल गैस के भी हैं तो प्रोडक्ट की जो एंट्रॉपी होगी वो ज्यादा होगी क्योंकि उसमें दो मोल गैस है ठीक है तो फॉरवर्ड जाने पर एंट्रापी बढ़ रही है डी में H2 टू डिसोशिएट कर रहा है टू एच में तो यहां पर एक पार्टिकल था अब उसके दो बन गए ठीक है तो एक पार्टिकल की रेंडमनेस कम होगी दो पार्टिकल्स की ज्यादा होगी क्योंकि दो पार्टिकल अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं तो यहां पर भी एंट्रॉपी बढ़ती है मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैसेज ये हमने पढ़ा है कि जब भी दो चीजों को मिक्स किया जाए हमेशा वहां पर रेंडमनेस बढ़ती है तो मिक्सिंग इज ऑलवेज अंडमनेस क्रिएटिंग फिनोमिना डिजोल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट इन वाटर पानी में आप शुगर डिजोल्व कर रहे हो तो वो भी एक तरह का मिक्सिंग ही तो है क्योंकि पानी और शुगर मिक्स हो रहे हैं या सॉल्ट और वाटर मिक्स हो रहे हैं तो मिक्सिंग हमेशा एंट्रोपी बढ़ाती है तो यहां पर भी एंट्रोपी बढ़ेगी देन कार्बन ग्रेफाइट को कन्वर्ट कर रहे हैं हम कार्बन की डायमंड एलोट्रॉप में ग्रेफाइट की हार्डनेस उतनी ज्यादा नहीं है डायमंड की हार्डनेस ज्यादा है तो ज्यादा हार्ड सब्स्टांस होने की वजह से आप ये एज्यूम कर सकते हो कि डायमंड में जो कार्बन के एटम्स हैं उनके पास मूव करने की फ्रीडम कम है ग्रेफाइट उतना हार्ड नहीं है तो ग्रेफाइट में हम बोलते हैं कि मॉलिक्यूल्स के पास ही सॉरी एटम्स ऑफ कार्बन के पास मूव करने की डायमंड से ज़्यादा फ्रीडम है तो डायमंड में वो ज़्यादा ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में है जबकि ग्रेफाइट में वो थोड़ा लेस ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में तो डायमंड में अरेंजमेंट ज्यादा ऑर्डर है तो एंट्रोपी कम हो रही है स्ट्रेचिंग ऑफ अ रबर 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 में में क्या होता है कि नॉर्मली जिसमें लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स होते हैं लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स स्पाइरल फॉर्म में है इसलिए रबर वैसा रहता है ठीक है जब उसको आप खींचते हो तो ये सारे के सारे जो लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स हैं ये सीधे हो जाते हैं ये ऐसा ही है जैसे कि आपके पास एक रस्सी है ठीक है रोप तो रोप आपकी पूरी क्वाइल्ड है ठीक है क्वाइल करके रोप को बिल्कुल सीधा कर दो तो ज्यादा ऑर्डर्ड अरेंजमेंट क्या है क्वाइल्ड या बिल्कुल सीधी रोप ऑब्वियसली बात है सीधी क्योंकि क्वाइल में वो कैसे भी मतलब जुर्क क्वाइल में ऐसे नहीं बोल रहा कि आपको बिल्कुल नीटली उसको क्वाइल करके रखना है रोप कैसे भी पड़ी हुई है उलझी हुई ठीक है अब इसको आप सीधा कर दोगे तो ये ज्यादा ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है तो यही होता है स्ट्रेचिंग ऑफ रबर में कि लॉन्ग चेन जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज्यादा ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में आ जाते हैं जब उसको स्ट्रेच करते हैं तो ऑर्डर बढ़ रहा है ठीक है ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है इट मीन एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है एंड मेल्टिंग ऑफ आइस आइस सॉलिड से लिक्विड में जा रहा तो ऑब्वियस बात है एंट्रोपी बढ़ेगी ठीक है नाउ यू कैन जस्ट नोट डाउन द आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस ठीक है फर्स्ट जो डी तक है दिस इज पार्ट ऑफ एनसीईआरटी नेक्स्ट फाइव जो पार्ट्स है दैट आर एडिशनल नेक्स्ट द क्वेश्चन नंबर 57। सेवन यहां पर हमारे पास एक पीवी डायग्राम दिया है और वन मोल ऑफ अ गैस एक मोल गैस को हम रिवर्सिबली कहां से लेके जा रहे हैं ए से बी तक लेके जा रहे हैं इस पाथ के थ्रू ठीक है फाइंड द नेट चेंज इन एंट्रोपी तो जब ए पॉइंट से या बी पॉइंट तक जा रहे हो तो वट इज द नेट चेंज इन एंट्रोपी अब देखो यहां पर ये एक अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये जो पाथ दिया गया है बड़ा टेढ़ा सा पाथ है ठीक है पर हमें पता है कि एस इज अ स्टेट फंक्शन तो स्टेट फंक्शन का मतलब है कि आप अगर ए से बी जा रहे हो तो किस पाथ से जाते हो उससे फर्क नहीं पड़ता किसी भी पाथ से जाएंगे जो डेल्टा एस है वो सेम आएगा तो अगर ए से बी हम डायरेक्टली ही चले जाएं इस पाथ से ठीक है सीधा जो पाथ है तो ये एक आइसोबारिक प्रोसेस हो जाएगा कांस्टेंट प्रेशर पे तो आइसोबारिक प्रोसेस से अगर हम जाते हैं तब भी डेल्टा एस उतना ही आएगा ठीक है तो इसलिए डेल्टा एस इन आइसोबारिक प्रोसेस का फॉर्मूला क्या होता है इट इज एन सी पी नेचुरग वी टू बाय वी वन ठीक है नंबर ऑफ मोल कितने वन मोल तो वन इन टू सीपी देखो जो फाइनल वॉल्यूम है वो है ई डिवाइड इनिशियल वॉल्यूम इज वन तो नेचुरल लॉग ई मीन्स वन तो आ गया सीपी ठीक है तो डेल्टा एस इन दिस केस इज इक्वल टू सीपी तो ये ध्यान रखना कि डेल्टा स्टेट फंक्शन है किसी भी पाथ से जाओगे डेल्टा एस की वैल्यू सेम आएगी ठीक है तो नोट डाउन नेक्स्ट दो क्वेश्चन नंबर 58 ठीक है तो पहले वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन दोनों नोट डाउन कर लो एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन योर सेल्फ तो क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एट का सोल्यूशन देखते हैं अगर हम कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रॉपी फॉर द फॉलोइंग प्रोसेस टू कार्बन मोनो ऑक्साइड प्लस ओ टू गैस गिव्स यू टू सीओ टू गैस जब डेल्टा एस किसी भी प्रोसेस के लिए हमें या रिएक्शन के लिए कैलकुलेट करना है तो डेल्टा एस क्या होगा प्रोडक्ट का एंट्रोपी चेंज माइनस रिएक्टेंट का एंट्रोपी चेंज प्रोडक्ट में दो मोल सीओ टू है तो सीओ टू के लिए देखो दिया है जेड जूल पर मोल पर कैलविन मतलब पर मोल मोलर एंट्रॉपी हैं तो एक मोल के लिए अगर जेड है तो दो मोल के लिए कितनी आ जाएगी टू इंटू जेड गया प्रोडक्ट के लिए माइनस रिएक्टेंट में एक मोल ओ टू है तो एक मोल ओ टू के लिए y प्लस दो मोल कार्बन मोनोऑक्साइड तो कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए मोलर वैल्यू है x तो एक मोल के लिए x तो दो मोल के लिए टू एक्स तो डेल्टा s फॉर द रिएक्शन विल बी टू जेड माइनस वाई माइनस टू एक्स ठीक है और यूनिट्स क्या होंगे इसके फाइनली जूल पर केल्विन, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज वेन वन मोल ऑफ आइस एट जीरो डिग्री सेल्सियस इज कन्वर्टेड इन टू वॉटर एट जीरो डिग्री सेल्सियस मतलब ये जो क्वेश्चन है ये फेज ट्रांजिशन का क्वेश्चन है ठीक है हम यहां पर सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली लिक्विड स्टेट में जा रहे हैं तो सॉलिड से लिक्विड जब आप जाते हो तो इट इज बेसिकली डेल्टा एस फ्यूजन और डेल्टा एस फ्यूजन कितना होगा डेल्टा एच फ्यूजन डिवाइड बाय टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर इट इज मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है तो डेल्टा एच की वैल्यू आपको दी गई है फोर्टीन थर्टी सिक्स कैलोरी टेम्परेचर कितना है कैलविन में टू सेवेंटी थ्री ठीक है इतने कैल्विन तो दैट विल बी योर आंसर यू कैन जस्ट कैलकुलेट इट एंड दिस इज योर आंसर क्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस जिसके लिए आपको सीवी दिया गया है ठीक है सीवी मीन्स स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम और सीवीएम का मतलब मोलर है ये तो जूल पर मोल पर कैलविन दिया गया है यूनिट्स को देख के भी आप बता सकते हो कि ये मोलर स्पेसिफिक हीट है ठीक है देन सॉरी मोलर हीट कैपेसिटी नॉट स्पेसिफिक हीट इट इज मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्योंकि स्पेसिफिक हीट फिर वन ग्राम के लिए होती है तो तीन मोल दिए गए तो एन की वैल्यू थ्री आ गई आर एट थ्री हंड्रेड कैलविन तो टी वन दिया हुआ है और फाइव डेसीमीटर क्यूब वन डेसीमीटर क्यूब इज एक्चुअली वन लीटर तो वॉल्यूम आपको दिए पांच लीटर इफ द गैस इज हीटेड टू थ्री ट्वेंटी कैलविन तो टेम्परेचर चेंज हुआ तो नया टेम्परेचर टी टू दिया हुआ है और वॉल्यूम भी चेंज हुई दस लीटर तो टेंपरेचर भी चेंज हो रहा है वॉल्यूम भी चेंज हो रही है तो कैलकुलेट देंट्रॉपी चेंज डेल्टा इक्वल टू एन सीवी वन प्लस एन आर नेचुरू बाय वी वन ठीक है तो वी टू आपको दिया गया टेन लीटर वी वन दिया गया फाइव लीटर नंबर ऑफ मोल थ्री हैं आर की वैल्यू आप जानते हैं टी टू दिया गया आपको थ्री ट्वेंटी कैलविन T1 की वैल्यू है 300 हंड्रेड कैलविन ठीक है Cv की वैल्यू आपको दी है 12.5, तो यहां पर सारी की सारी वैल्यूज आपको दी गई हैं, जस्ट पुट द वैल्यूज एंड यू विल गेट द आंसर तो एंट्रॉपी में जो क्वेश्चन आपको आएंगे वो डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करके ही सॉल्व करने वाले क्वेश्चन होंगे नेक्स्ट द क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन इट इज एनसीआरटी का सॉल्ट एग्जाम्पल सिक्स पॉइंट टेन है For the oxidation of iron, आयरन iron थ्री ओ टू गि टू एफ ई टू ओ दिया गया है माइनस फाइव जूल पर मोल पर कैल्विन एट 298 नाइन तो यहां पर डेल्टा की वैल्यू नेगेटिव है ठीक है तो बोला कि डेल्टा अगर नेगेटिव है तो एंट्रोपी तो कम हो रही है फिर भी ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है क्योंकि आयरन की ऑक्सीडेशन हो जाती है ठीक है तो एंट्रोपी चेंज नेगेटिव आ रहा है फिर भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस क्यों है ओके अब यहां पर ये यह देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन एनसीआरटी का क्योंकि ये एक थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन आपको सोचने पे आ, मतलब मजबूर करेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है डेल्टा एस इज द गवर्निंग फैक्टर पर हमने जो पढ़ा है कि डेल्टा एस किसका यूनिवर्स का या आइसोलेटेड सिस्टम का ग्रेटर देन जीरो होता है ऐसा हमने कहीं नहीं पढ़ा कि नेगेटिव नहीं हो सकता या ऐसा नहीं होगा डेल्टा एस सिस्टम का कुछ मर्जी हो यूनिवर्स का डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो होगा एक इरिवर्सिबल प्रोसेस में ठीक है तो यहां पर जो हमें डेल्टा एस दिया गया है यह दिया गया है सिस्टम का अब इमेजिन जिस कंटेनर में हमारा रिएक्शन हो रहा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन इस कंटेनर में हो रहा है ठीक है अब यहां पर डेल्टा एच दिया गया माइनस सिक्सटीन फोर्टी एट क्योंकि आयरन की ऑक्सीडेशन हो रही है ऑक्सीडेशन का मतलब है कंबशन एक तरह से कंबशन में एनर्जी रिलीज होती है तो ये जो सोलह सौ अड़तालीस पर मोल एनर्जी रिलीज हुई ये सिस्टम से बाहर गई ठीक है दिस इज योर सिस्टम और बाहर हमारा सराउंडिंग है तो अगर हमें डेल्टा एस यूनिवर्स कैलकुलेट करना है दैट विल बी डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग ठीक है ये हो गया तो डेल्टा एस सिस्टम हमें यहां पर दिया गया है माइनस फाइव फोर्टी नाइन पॉइंट फोर डेल्टा सराउंडिंग अब सराउंडिंग ने इतनी हीट गेन की कितनी हीट गेन की सोलह गेन किया ना तो सराउंडिंग के लिए जो डेल्टा एस आएगा दैट विल बी हीट गेन तो आ जाएगा सिक्सटीन फोर्टी एट किलो जूल तो मतलब इंटू टेन डेज टू पावर थ्री जूल पर मोल डिवाइड बाय किस टेम्परेचर पे हो रहा है रिएक्शन ये टू नाइंटी एट कैलविन ठीक है तो सराउंडिंग के लिए जो डेल्टा एस आ जाएगा सिक्सटीन फोर्टी एट इंटू टेन डेज टू पावर थ्री डिवाइड बाई टू नाइनटी एट तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी फिफ्टी फाइव थर्टी जूल पर मोल पर कैलविन तो ये जो डेल्टा एस यूनिवर्स है ये तो पॉजिटिव आ रहा है ग्रेटर देन जीरो तो अगर यूनिवर्स के लिए डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो है इट मीन्स द रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है ठीक है तो so, सिर्फ सिस्टम का डेल्टा एस क्या है पॉजिटिव नेगेटिव यह डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है यूनिवर्स का डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो आना चाहिए एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए तो ये कंडीशन थी कि स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा एस यूनिवर्स इज पॉजिटिव नॉट द डेल्टा एस सिस्टम ओके अब इसी क्वेश्चन को डायरेक्टली ये एक थ्योरेटिकल वे में भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में क्या होना चाहिए पहली ऑप्शन दे दी कि डेल्टा एस सिस्टम पॉजिटिव होना चाहिए दूसरा डेल्टा एस सिस्टम नेगेटिव होना चाहिए फिर डेल्टा एस यूनिवर्स पॉजिटिव होना चाहिए डेल्टा एस यूनिवर्स जीरो होना चाहिए ठीक है तो यू मस्ट रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड दिस थिंग कि यूनिवर्स की डेल्टा एस स्पॉन्टेनिटी से रिलेट करती है ओके नेक्स्ट इज अ वेरी गुड स्टेटमेंट इन एन ठीक है एनसीआर देखो जब भी कोई रिएक्शन स्टार्ट होता है तो हम बोलते हैं ना इक्विलिब्रियम आ गया इक्विलिब्रियम कुछ देर के बाद आएगा ना रिएक्शन अभी स्टार्ट हुआ तो चलेगा 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 फाइनली वो इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगा तो जब तक रिएक्शन चला हुआ है इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंचा है उस ड्यूरेशन में एंट्रोपी बढ़ती है ठीक है तो जब तक रिएक्शन चला हुआ है और इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंचा एंट्रोपी बढ़ती जाती है क्योंकि एंट्रोपी की टेंडेंसी बढ़ने की यह ड्राइविंग फैक्टर है बढ़ना चाहती है अपनी मैक्सिमम पोजिशन पे आना चाहती है इक्वलिब्रियम पे एंट्रॉपी बढ़ते 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 एंट्रॉपी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे आ गई तो एंट्रॉपी की वैल्यू मैक्सिमम हो गई ठीक है जब मैक्सिमम हो गई तब और तो नहीं बढ़ेगी फिक्स हो गई कांस्टेंट हो गई इस कांस्टेंट वॉल्यूम में सॉरी कांस्टेंट वैल्यू में अब आगे कोई चेंज तो नहीं आएगा ठीक है तो अब अगर आप इक्विलिब्रियम पे डेल्टा एस कैलकुलेट करोगे तो जीरो ही आएगा ना क्योंकि वैल्यू तो फिक्स हो गई है अब वो चेंज नहीं हो रही पर ड्यूरिंग द चेंज जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आया था तब तक एंट्रोपी बढ़ रही थी तो तब तक डेल्टा एस पॉजिटिव था तो ये ध्यान में रखना है कि जब एक सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है तब एंट्रोपी उसकी मैक्सिमम होती है इसीलिए डेल्टा एस जीरो आ जाता है इक्विलिब्रियम वाले प्रोसेस में मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस में ठीक है तो हम ये बोल सकते हैं कि एंट्रोपी फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बढ़ती जाती है जब तक कि वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे ना आ जाए और जब वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे आ जाते हैं उसी को इक्विलिब्रियम बोलते हैं तो आप ये भी लिख सकते हो कि इक्विलिब्रियम कौन सी पोजीशन है इक्विलिब्रियम वो पोजीशन है जब एंट्रोपी अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाती है उस पर्टिकुलर केस के लिए उस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए जब वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच जाती है तब हम इक्विलिब्रियम उस पोजिशन को डिफाइन कर देते हैं ठीक है नाउ यू कैन नोट इट डाउन अब नेक्स्ट मूव करते हैं टूवर्ड द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एब्सोल्यूट एंट्रोपीज के बारे में बात करता है देखो थर्ड लॉ की स्टेटमेंट सिंपल है एट एब्सोल्यूट जीरो मतलब जीरो कैल्विन टेम्परेचर पे द एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्ट क्रिस्टलिन सबस्टांस इस स्टेटमेंट में अगर आपने एक भी वर्ड खा गए तो स्टेटमेंट गलत हो गई ठीक है एब्सोल्यूट जीरो लिखना जरूरी है फिर एंट्रॉपी ऑफ अ परफेक्टली क्रिस्टलिन लिखना जरूरी है ठीक है तो एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्टली क्रिस्टलिन सब्सटेंस इज टेकन एज जीरो अब ऐसा क्यों होता है देखो इज बेसिकली मेजर ऑफ डिसऑर्डर डिसऑर्डर दो तरह से हो सकता है एक थर्मल डिसऑर्डर हो सकता है और एक स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर हो सकता है थर्मल डिसऑर्डर का मतलब क्या है कि आपने सिस्टम को हीट दी, उसके पास टेम्परेचर है टेंपरेचर है तो काइनेटिक एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी तो मॉलिक्यूल्स के पास रैंडम मोशन है ठीक है अगर मैं टेम्परेचर को कम करता चलूं तो जीरो केल्विन टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी जीरो क्योंकि जब टेम्परेचर जीरो हो गया तो काइनेटिक एनर्जी जीरो तो पार्टिकल्स के पास कोई रैंडम मोशन नहीं बचा तो थर्मल डिसऑर्डर जो है ये जीरो हो जाता है एट जीरो केल्विन ठीक है पर स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर जीरो नहीं होता स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर को क्या बोलते हैं देखो अगर एग्जांपल हम ले कि एटम इस तरह से रखे हुए हैं ठीक है लाइन में अब इनके बीच में एक, एक एटम डिफरेंट आ गया ओके okay? या डिफरेंट नहीं भी आया मान लो बीच में गैप रह गया फिर गैप आ गया तो यहां पर हम क्या बोलेंगे जहां पर ये गैप आ गया है यहां पर स्ट्रक्चर में एक डिसऑर्डर आ गया ऐसे समझ लो कि 50 बच्चे लाइन में बैठे हुए हैं बीच में से एक बच्चा एबसेंट है लाइन तो है पर बीच में जो एब्सेंट वाला पॉइंट आ गया वहां पर डिसऑर्डर क्रिएट हो गया क्योंकि वो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट वहां पर टूट गया ठीक है तो जीरो केल्विन पे थर्मल डिसऑर्डर तो जीरो हो रहा है पर अगर स्ट्रक्चर आपका परफेक्ट नहीं है उसमें इम्परफेक्शंस हैं इम्परफेक्शन क्यों हो सकते हैं किसी क्रिस्टल में क्रिस्टल में पार्टिकल्स एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में लगे होते हैं अगर बीच में से अरेंजमेंट में कहीं गैप आ गया पार्टिकल गायब हो गया या बाहर से कोई एक्स्ट्रा इंप्योरिटी आके वहां पर उस पोजिशन पर आ गई है तो दैट विल बी इम्परफेक्शन और इम परफेक्शन की वजह से स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर आ जाएगा ठीक है तो अगर आपका परफेक्ट क्रिस्टल है तो परफेक्ट क्रिस्टल में स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर जीरो होता है ठीक तो है तो क्रिस्टल अगर परफेक्ट है तो स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर भी जीरो और टेम्परेचर जीरो कर दिया तो थर्मल डिसऑर्डर भी जीरो तो टोटल डिसऑर्डर जीरो हो गया इस मीनस के एंट्रोपी जीरो हो गई तो मतलब सिर्फ जीरो कैलविन करने से एंट्रोपी जीरो नहीं होती परफेक्ट क्रिस्टल भी होना चाहिए अगर इम क्रिस्टल है तो एंट्रोपी उसकी जीरो नहीं होगी तो यह पार्ट समझना है। इसलिए स्टेटमेंट जो है एज इट इज लिखनी बहुत जरूरी है ठीक है समझ आ गया नाउ यू कैन नोट इट डाउन अब नेक्स्ट इज एक छोटा सा पार्ट इसमें समझ लेते हैं कि एंट्रोपी ऑफ सॉलिड्स ठीक है सॉलिड्स के लिए अगर हमें एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है तो उसका क्या फॉर्मूला रहेगा देखिए सॉलिड्स के लिए क्या होता है सॉलिड्स के लिए एंट्रोपी एट टी कैल्विन माइनस एंट्रोपी एट जीरो कैलविन ये आ गया हमारा डेल्टा एस जीरो पे वैल्यू थी वो थी अब टी कैलविन है टेम्परेचर तो चेंज इन एंट्रॉपी कितना है है एस माइनस नॉट ठीक जीरो कैलविन पे तो ये आगे डेल्टा एस तो डेल्टा एस किसके बराबर होगा इंटीग्रल ऑफ डी क्यू रिवर्सिबल डिवाइड बाय टेम्परेचर और टेम्परेचर आपका कहां था शुरुआत में जीरो फाइनली कितना पहुंच गया टी अब सॉलिड की बात करें तो सॉलिड के केस में जो प्रेशर है बाहर का वो तो कांस्टेंट है गैस तो यह है नहीं कि प्रेशर में कुछ वेरिएशन रहेगी सॉलिड के केस में तो प्रेशर कांस्टेंट पे Q को हम डेल्टा एच लिख सकते हैं और डेल्टा एच हमारा कितना होता है एन सी पी डेल्टा टी ठीक है ना होता है अब यहां पर N की भी जरूरत नहीं है मान लो हम वन मोल के लिए बात कर रहे हैं ठीक है तो डेल्टा चाप हाँ का सी पी डेल्टा टी आ गया या सीपी डी टी आ गया स्मॉल चेंज के लिए तो डी क्यू इज अ स्मॉल चेंज तो डी क्यू के लिए इसको आप लिखते हैं सी पी डी टी बाय टेम्परेचर जीरो टू टू इंटीग्रेट करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये सिर्फ आ जाएगा सीपी नेचुरल लॉग टी या टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री सी पी लॉग बेस टेन टी तो ये हो गया सॉलिड्स के लिए एंट्रोपी चेंज ठीक है तो क्लियर है ये एक इक्वेशन। नेक्स्ट एक और चीज देख लेते हैं कि जब हम यहां पर एंट्रोपी की वेरिएशन स्टडी करेंगे टेम्परेचर के साथ ठीक है टेम्परेचर के साथ एंट्रोपी तो जैसे जैसे आप किसी चीज को मान लो आपके पास शुरुआत में क्या था सॉलिड सॉलिड को हीट करते गए करते गए करते गए थोड़ी देर बाद लिक्विड बना लिक्विड को हीट करते गए थोड़ी देर बाद वेपर बना तो जब हम यहां पर सॉलिड को हीट करना स्टार्ट करेंगे तब क्या होगा तब हमारे पास एंट्रोपी बढ़ेगी ठीक है बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट आएगा एक टेम्परेचर पे वो क्या होगा मेल्ट melt करेगा मेल्टिंग एक कांस्टेंट टेम्परेचर फिनोमेना है पर ड्यूरिंग मेल्टिंग ड्यूरिंग मेल्टिंग जिसको आप बोलते हैं फेज ट्रांजिशन डेल्टा कितना आता है डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन टेम्परेचर मतलब मेल्टिंग के टाइम टेम्परेचर चेंज नहीं होता पर हीट तो आप लगातार दे रहे हो ना उसको सॉलिड फेज से लिक्विड फेज में ले जाने के लिए ठीक है तो वो जो हीट हम दे रहे हैं डेल्टा एच फ्यूजन उसकी वजह से एंट्रोपी बढ़ती है पर टेम्परेचर चेंज नहीं होता ठीक है तो जब फेज चेंज होगा उस टाइम टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहेगा तो देर विल बी अ वर्टिकल लाइन तो ये जो आ रहा है टेम्परेचर दिस इज अवर मेल्टिंग पॉइंट फिर इस पॉइंट पे मान लो पूरा का पूरा लिक्विड आ गया फिर लिक्विड के बाद एंट्रोपी बढ़ती रहेगी फिर फाइनली एक पॉइंट पे हमारे पास वेपराइजेशन स्टार्ट होगी बॉइलिंग पॉइंट आ गया ठीक है तो बॉइलिंग पॉइंट पे बॉइलिंग क्या होता है बॉइलिंग भी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर होती है तो बॉइलिंग पे डेल्टा एस आ जाएगा डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन टेम्परेचर तो एंट्रोपी तो बढ़ेगी पर टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा फिर उसके बाद गैस तो ये है सॉलिड वाला पार्ट दिस इज लिक्विड एंड दिस इज गैस तो इस तरह से एंट्रोपी का टेम्परेचर के साथ वेरिएशन हम ग्राफिकली शो कर सकते हैं ठीक है नोट डाउन द ग्राफ नेक्स्ट इज अगर हम फर्स्ट और सेकेंड लॉ को कंबाइन करते हैं ठीक है हमारे पास क्या इक्वेशन आती है तो कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था कि डी यू इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू एंड सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या पढ़ा हमने बेसिकली कि डी क्यू रिवर्सिबल क्या है टीडीएस मतलब स्मॉल चेंज इन एंट्रोपी को क्या लिखते थे हम क्यू रिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर या डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर डी तो क्यू कितना आ जाएगा टी इंटू डी एस तो डी क्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू टी डी एस ओके तो ये अब रिवर्सिबल चेंज इन अ क्लोज सिस्टम की बात हम कर रहे हैं यहां पे ठीक है तो यहां पर है रिवर्सिबल चेंज इन अ क्लोज्ड सिस्टम ओके तो यहां पे डी यू को क्या लिखेंगे हम डी क्यू रिवर्सिबल कितना आ जाएगा इस डी क्यू की जगह पे TDS डाल देंगे हम तो यह टी डी एस और वर्क डन कितना होता है माइनस पी डीवी पी एक्सटर्नल इंटू डी वी ठीक है तो ये एक इक्वेशन आ गई तो डी यू को इस तरह भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है ओके okay? अब इसको आगे और कैसे लिखते हैं अब ये तो आ गया स्मॉल चेंज इन इंटरनल एनर्जी ठीक है अब अगर हम इसको डीएस के साथ अस से वॉल्यूम हम कांस्टेंट कर देते हैं ठीक है मान लो वॉल्यूम इज कांस्टेंट, तो पी डीवी जीरो हो गया ठीक है तो आप लिखते हो कि डी यू इज इक्वल टू टीडीएस डी एस या डेल यू बाय डेल एस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू टेम्परेचर ये एक्सप्रेशन एक आ गया ठीक है तो वॉल्यूम कॉन्स्टेंट जा, हो जाएगी तब चेंज इन इंटरनल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन एंड्रॉपी इज इक्वल टू टेम्परेचर तो ये एक इक्वेशन या एक एक्सप्रेशन आ सकता है एग्जाम में कि कौन कौन से एक्सप्रेशन करेक्ट हैं तो ऐसा कुछ दिया हो तो आपको पता होना चाहिए कि येस डी यू के लिए ये एक एक्सप्रेशन है और उसको हम इस तरह से रिप्रजेंट कर सकते हैं अब ये तो होता है वॉल्यूम कॉन्स्टेंट के लिए अब इसी को अगर हम प्रेशर कॉन्स्टेंट पर डालें तो प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा तो तो ये वैसा रहेगा टी डी एस माइनस पी ठीक है तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा तो प्रेशर कांस्टेंट पे एज इट इज रहेगा डीज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी तीसरी जो वेरिएशन दैट इज एंट्रोपी कांस्टेंट कर दो एस इज इक्वल टू कांस्टेंट एस कांस्टेंट हो गया तो डीएस जीरो तो पहला वाला फैक्टर ये जीरो हो गया तो अब बचेगा हमारा डी यू इज इक्वल टू माइनस पी ठीक है जब एंट्रोपी कॉन्स्टेंट थी तो आप ये बोलते हो कि डेल यू डिवाइड बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट एंट्रोपी इज इक्वल टू माइनस पी ठीक है तो ये भी एक्सप्रेशन आ गया तो इस तरह के ये सारे मैथमेटिकल चीजें हैं कि आपको इक्वेशंस को आपस में मर्ज करना एक पॉइंट एक जगह से इक्वेशन को उठा के या वैल्यू को उठा के दूसरी इक्वेशन में पुट करना फिर उसका डिफरेंशियल लेना तो ये सारी चीजें प्रैक्टिस करने से अच्छे से याद रहती हैं नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फर्स्ट इज एंट्रोपी ऑफ अ सब्स्टांस इन द लिक्विड फेज इज लोअर देन द एंट्रोपी ऑफ सेम सब्स्टांस इन गैस फेज तो ये तो करेक्ट है क्योंकि लिक्विड फेज में एंट्रोपी ऑब्वियसली कम होती है क्योंकि ऑर्डर ज्यादा होता है और गैस फेज में ऑर्डर कम होता है इसलिए एंट्रोपी ज्यादा होती है तो पहला तो ट्रू स्टेटमेंट है सेकेंड इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आर ऑलवेज फास्ट तो क्या ऐसा जरूरी है कि स्पॉन्टेनियस जो होगा रिएक्शन फास्ट होगा जैसे कि एच टू प्लस हाफ ओ टू गिव यू एच टू ओ मैंने आपको कहा था कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है इवन रूम टेम्परेचर पे भी पर रूम टेम्परेचर पे इसको होने में सालों लग जाएंगे और थोड़ा सा हीट कर देंगे तो ये फास्ट हो जाता है सो स्पॉन्टेनियस तो है बट स्टिल फास्ट नहीं है तो ऐसा बोलना कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हमेशा फास्ट होते हैं इट इज रॉन्ग थर्ड इज डेल्टा एस फॉर वेपराइजेशन ऑफ अ लिक्विड इज ऑलवेज पॉजिटिव देखो डेल्टा एस वेपराइजेशन इज इक्वल टू डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन बॉइलिंग पॉइंट तो डेल्टा एच वेपराइजेशन भी पॉजिटिव रहेगा क्योंकि हीट सप्लाई ही करनी पड़ेगी किसी को वेपराइज करने में तो ये वाला पार्ट भी पॉजिटिव है बॉयलिंग पॉइंट भी पॉजिटिव होता है ठीक है टेम्परेचर हमेशा पॉजिटिव होता है तो यस डेल्टा एस वेपराइजेशन हमेशा पॉजिटिव होगा ट्रू है लास्ट वन अस्पॉन्टेनियस रिएक्शन इन वन डायरेक्शन इज ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस इन रिवर्स डायरेक्शन ऑब्वियसली पानी अगर ऊपर से नीचे गिर रहा है तो स्पॉन्टेनियस है पर नीचे से ऊपर जाना तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा ठीक है हीट अगर हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे जाती है तो ये स्पॉन्टेनियस है हॉट बॉडी से एनर्जी लो टेम्परेचर या कोल्ड बॉडी की तरफ स्पॉन्टेनियसली फ्लो करती है पर कोल्ड बॉडी से टेम्प हीट हॉट बॉडी की तरफ फ्लो नहीं करती ऐसा नहीं हो सकता कि एक गर्म ऑब्जेक्ट था और एक ठंडा ऑब्जेक्ट था तो ठंडा वाला और ठंडा हो गया गर्म वाला और गर्म हो गया ठीक है तो अगर एक डायरेक्शन में चीज स्पॉन्टेनियस है रिएक्शन तो ऑपोजिट डायरेक्शन में हमेशा ही नॉन स्पॉन्टेनियस होगा तो दिस इज ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट ठीक है नाउ कैन नोट इट डाउन ओके तो कंटिन्यू करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 63 uh, ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम आपको एंट्रोपी के जो फंडामेंटल्स है उनकी एप्लीकेशन समझने में हेल्प करेगी कि डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो में अगर रिवर्सिबल पूछा गया है इरिवर्सिबल पूछा गया है तो एंट्रोपी कैलकुलेशन कैसे कैसे डिफर करती है देखो वन मोल आइडियल गैस हमारे पास है जिसको हम टेन एटमॉस्फेयर से वन एटीएम तक कंप्रेस कर रहे हैं सॉरी एक्सपेंड कर रहे हैं एट थ्री हंड्रेड कैलकुलेट करना है डेल्टा एस फॉर सिस्टम फॉर सराउंडिंग एंड फॉर यूनिवर्स अगर प्रोसेस को हम रिवर्सिबली करवाते हैं सेकेंड केस में इिवर्सिबली करवाते हैं और थर्ड में फ्री एक्सपेंशन में करवाते हैं ठीक है तो जस्ट लाइक ऑलवेज आपको पहले क्या करना है दो मिनट के लिए वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे किस तरह से सॉल्व करने की ट्राई करेंगे वो एक जो आपके स्टेप्स हैं उनको अपने माइंड में एक बार आप डिफाइन करने की ट्राई करो ठीक है देन वी विल गो अहेड विथ द सोल्यूशन पार्ट देखो अब अगर हम इसका डेल्टा एस कैलकुलेट करना है ठीक है ए पार्ट की हम बात करें रिवर्सिबली की तो डेल्टा एस सिस्टम के लिए हमने ऑलरेडी फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है एनसीपी नेचुरल लॉग टी टू बाय टी वन प्लस एन आर नेचुरल लॉग पी वन बाय पी टू ठीक है क्योंकि हमें प्रेशर की वेरिएशन दिया यहां पे तो क्योंकि ये कैसा प्रोसेस है 300 हंड्रेड मतलब फिक्स टेम्परेचर ओके तो हम बोलते हैं कि टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट तो T1 T2 बराबर होंगे तो T1 T2 बराबर हुए तो ये वाली टर्म होगी जीरो तो आपके पास डेल्टा एस सिस्टम आ गया एन आर लॉग इनिशियल प्रेशर था 10 फाइनल है 1 तो यह एन आर नेचुर सिस्टम के लिए अब रिवर्सिबल प्रोसेस में डेल्टा एस सिस्टम और डेल्टा एस सराउंडिंग इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं तो आ जाएगा आपका माइनस एन लॉग टेन तो यहां से आ गया डेल्टा एस यूनिवर्स दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा जीरो ठीक है ना रिवर्सिबल का मतलब यही होता है कि सिस्टम एंड सराउंडिंग आर इन इक्विलिब्रियम तो जो सिस्टम को मिला उतना सराउंडिंग से चला गया तो दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट वैल्यूज शो करते हैं ठीक है तो फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया हमें अब सेकंड पार्ट के लिए सॉल्व करते हैं अगर इसी प्रोसेस को हम इ करवाते हैं तो फिर सिस्टम और सराउंडिंग इक्विलिब्रियम में नहीं होते ठीक है सिस्टम की वैल्यू तो यही आएगी तो फॉर इिवर्सिबल प्रोसेस फॉर इवर्सिबल प्रोसेस डेल्टा सिस्टम उतना ही रहेगा ट इज एन आर नेचुरेन पर डेल्टा सराउंडिंग कैलकुलेट करने के लिए अब हम बेसिक्स यूज करेंगे देखो अब फर्स्ट लॉ बोलता है डेल्टा यूज क्यू प्लस वर्क अब क्योंकि आइसोथर्मल है तो डेल्टा यू जीरो हो गया तो दैट इज क्यू इज माइनस ऑफ वर्क डन तो माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा वी ठीक है सही है नो वर्क होता है माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी तो क्यू माइनस ऑफ वर्क इज प्लस पी एक्सटर्नल इंटू डी वी तो एक्सटर्नल प्रेशर कितना होगा जो फाइनल प्रेशर होता वही है वही हमारा एक्सटर्नल होता है तो फाइनल प्रेशर कितना था वन एटीएम ठीक है फाइनल प्रेशर इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा वी अब आपको वॉल्यूम तो दिया नहीं हुआ है तो वॉल्यूम को कैसे निकाल सकते हैं आइडियल गैस के लिए पी वी इक्वल टू एन आर टी नंबर ऑफ मोल वन है क्वेश्चन में दिया हुआ है एक मोल गैस है तो पी वी इक्वल टू आर टी तो वॉल्यूम वन क्या रहेगा आर टी अपॉन पी वन वॉल्यूम टू आ रहेगा आर टी अपॉन पी टू ठीक है तो पी एक्सन लगे आपका यहां पर वन और डेल्टा वी वी टू कितना रहेगा आर इन टू थ्री हंड्रेड अपॉन पी टू था वन माइनस आर इंटू थ्री हंड्रेड डिवाइड बाय टेन ठीक है तो ये कितना आ जाएगा यह आपका फाइनली आ जाएगा देखिए टेन इंटू बेसिकली ये आ, कितना देखो टेन इंटू आर इंटू थ्री हंड्रेड या आर टी टेन माइनस वन नाइन तो नाइन आर टी डिवाइड बाय टेन तो फाइनली दिस विल बी टू सेवेंटी आर ओके okay. तो ये आ गया के की वैल्यू? अब ये Q किसके लिए था ये Q था हमारे पास सिस्टम का और अब हमें निकालना है डेल्टा एस सराउंडिंग के लिए ठीक है तो डेल्टा एस सराउंडिंग क्या हो जाएगा क्यू सराउंडिंग अपॉन टेम्परेचर तो या आ जाएगा क्यू सराउंडिंग अपॉन टेम्परेचर और क्यू सराउंडिंग क्या आ जाएगा माइनस ऑफ क्यू सिस्टम क्योंकि जो हीट सिस्टम से रिलीज होगी वो सराउंडिंग में जाएगी या जो सिस्टम में गेन होगी वो सराउंडिंग से ही आई होगी ठीक है तो माइनस क्यू सिस्टम अपॉन टेम्परेचर तो क्यू सिस्टम था टू सेवेंटी आर तो हो जाएगा माइनस ऑफ टू सेवेंटी आर डिड बाई टेंचर थ्री हंड्रेड कैलविन माइनस नाइन आर बाई टेन और अब हम डेल्टा एस यूनिवर्स निकालेंगे तो दोनों का एड करेंगे दैट इज लॉग प्लस माइनस ऑफ नाइन आर बाय टेन तो इसको अगर आप सॉल्व करके भी कैलकुलेट करते हैं यू विल इवेंचुअली गेट के ये वैल्यू ग्रेटर देन जीरो डेल्टा एस यूनिवर्स एक रिवर्सिबल प्रोसेस में स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में हमेशा पॉजिटिव ही रहता है तो वो इसे प्रूव भी हो जाएगा अब लास्ट केस आ गया कि फ्री एक्सपेंशन देखो तो वर्क डन ड्यूरिंग फ्री एक्सपेंशन क्या होता है जीरो होता है ठीक है तो वर्क डन पहले जीरो हो गया हमारा ओके और क्योंकि आइसोथर्मल था तो डेल्टा यू भी जीरो तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस वर्क में अगर वर्क भी जीरो है डेल्टा यू भी जीरो है तो ऑब्वियस बात है क्यू भी जीरो क्यू जीरो हो जाएगा अगर तो हीट ना कोई आई ना कोई गई ठीक है सिस्टम के अंदर तो मतलब सराउंडिंग से कुछ हमने लिया नहीं तो क्यू सराउंडिंग भी जीरो हो जाएगा तो डेल्टा एस सराउंडिंग हो जाएगा जीरो पर डेल्टा एस सिस्टम नहीं होगा क्यों क्योंकि डेल्टा एस सिस्टम का जो फॉर्मूला था एनसीपी लॉक टी टू ये जीरो हो गया पर एन आर तो रहेगा ना ठीक है जरूरी नहीं है कि एंट्रोपी के लिए हीट आनी ही चाहिए एडियाबेटिक प्रोसेस में भी एंट्रोपी चेंज होता है हमने प्रूव किया है प्रीवियस लेक्चर्स में तो डेल्टा सिस्टम तो उतना ही रहा आर 10 ठीक है सराउंडिंग का जीरो हो गया क्योंकि जब सिस्टम ने हीट गेन ही नहीं की तो सराउंडिंग ने कोई हीट लूज नहीं की और डेल्टा एस यूनिवर्स आ गया सिस्टम प्लस दैट इज आर नेचुरल लॉग टेन तो ये भी ग्रेटर देन जीरो आ रहा है ठीक है तो ये है पार्ट के हम किस तरह से जो हमने थ्योरी पढ़ी उसको हम अप्लाई कर रहे हैं ओके तो आई थिंक आपको अब थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि एंट्रोपी के फॉर्मुला को कैसे कैसे यूज करना है अब नेक्स्ट मूव करते हैं टुवर्ड तो अवर टॉपिक गिब्स एनर्जी एंड द स्पॉन्टीनिटी काफी इंपॉर्टेंट नया ये एक पैरामीटर हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं तो हमने प्रीवियस सेक्शन में जो डिस्कशन की थी उससे हमने ये समझा कि स्पॉन्टिनिटी को डिफाइन करने के लिए हमें दो चीजों की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है एक हमें एनर्जी मतलब एंट्रोपी सॉरी एंथेल्पी के बारे में पता होना चाहिए और दूसरा उसके डिसऑर्डर दैट इज एंट्रोपी के बारे में एनर्जी कम हो रही हो तो फेवरेबल है एंट्रोपी बढ़ रही हो तो फेवरेबल है ठीक है पर इंक्रीज इन एंट्रोपी अलोन कैन डिटर्म इन द डायरेक्शन सिर्फ और सिर्फ एनथेलपी के कम होने से या के बढ़ने से ही डिफाइन नहीं होती हमें दोनों पैरामीटर को करना पड़ता है तो दो पैरामीटर को अलग अलग स्टडी करने की जगह हमने क्या किया नया पैरामीटर डिफाइन किया ठीक है नया थर्मोडाइनिक फंक्शन गिब्स एनर्जी इस अकेले पैरामीटर की स्टडी से ही हम स्पॉन्टेनियस कोई रिएक्शन होगा या नहीं होगा ये बता पाएंगे ठीक है तो जो नया पैरामीटर है जी इट इज डिफाइंड एज एच माइनस टी एस तो जी एक एक्सटेंसिव फंक्शन है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब अमाउंट ऑफ मैटर बढ़ेगा तो ये इसकी वैल्यू बढ़ेगी एंड इट इज अ स्टेट फंक्शन ठीक है तो जी आ गया एच माइनस टी एस तो यहां से डेल्टा जी फॉर अब सिस्टम की बात कर रहे हैं तो डेल्टा जी सिस्टम कितना रहेगा डेल्टा एच सिस्टम माइनस टी डेल्टा एच सिस्टम माइनस एस सिस्टम इंटू डेल्टा टी ये हो गया अब अगर हम कंडीशन लगाएं कि टेम्परेचर कांस्टेंट है जो कि मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम में हमारे पास रहता है तो डेल्टा टी जीरो हो गया तब जाके डेल्टा जी बना आपका डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस तो ये ध्यान रहे कि ये जो इक्वेशन हम जनरली याद करते हैं स्कूल में पढ़ाया जाता है कि डायरेक्टली आप यही याद करते हो ये तब है जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं हुआ तब हम ये इक्वेशन नहीं लिख सकते ओके okay? अब ऑब्वियस ऑब्वियसली बात तो डेल्टा जी बेसिकली क्या है ये एनर्जी है क्योंकि डेल्टा जी इक्वल डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस डेल्टा एच बेसिकली क्या है किसके यूनिट से ये एनर्जी है तो एनर्जी से एनर्जी ही सब्ट्रैक्ट होती है और एनर्जी ही मिलती है तो मतलब हुआ कि डेल्टा जी भी अपने आप में इसके यूनिट्स भी क्या होंगे एनर्जी के ही यूनिट्स होंगे ओके तो इतना क्लियर हो गया आपको तो ये आ गया हमारे पास एक पर्टिकुलर फॉर्मूला अब इस फॉर्मुले से हम स्पॉन्टेनिटी को कैसे डिफाइन करेंगे कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का डेल्टा जी क्या होना चाहिए वो देखते हैं तो बिफोर दैट यू पॉज द वीडियो हेयर एंड नोट इट डाउन अब देखो स्पॉडेलिटी के लिए हम बेसिक एक डेफिनेशन पे आते हैं हमारा कि डेल्टा एस यूनिवर्स इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग ठीक है एक ही हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है और डेल्टा सराउंडिंग को हम क्या लिखते हैं क्यू सराउंडिंग आप बोलते हो डेल्टा एच सराउंडिंग अपॉन टेम्परेचर और डेल्टा एच सराउंडिंग कॉम्प्लेक्स तो माइनस ऑफ डेल्टा एच सिस्टम ठीक है डिवाइड बाय टेम्परेचर इफ सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ सराउंडिंग तो ये वाला पार्ट आपने बड़े ध्यान से याद रखना है कि ये तब हम लिख पा रहे हैं जब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में थर्मल इक्विलिब्रियम है ठीक है तभी डेल्टा एच सराउंडिंग इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा एच सिस्टम तो टी इंटू डेल्टा चलो छोड़ो टी को डेल्टा एस सराउंडिंग यहां ये पुट करेंगे तो याद आएगा डेल्टा एस सिस्टम माइनस डेल्टा एच सिस्टम अपॉन टी ये आ गया डेल्टा एस यूनिवर्स ठीक है अब इस पूरी इक्वेशन को टेम्परेचर से मल्टीप्लाई कर देते हैं टी डेल्टा एस यूनिवर्स किसके बराबर आ जाएगा यह आ जाएगा हमारे पास टी डेल्टा एस सिस्टम माइनस डेल्टा एच सिस्टम ठीक है ये हो गया अब हमें पता है कि फॉर स्पॉन्टीन्यूस प्रोसेस यूनिवर्स की जो एंट्रोपी चेंज है डेल्टा एस यूनिवर्स ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है और टेम्परेचर की वैल्यू वैसे भी ग्रेटर देन जीरो होगी तो ये जो पैरामीटर हुआ या टर्म हुई टी डेल्टा एस यूनिवर्स ये तो हमेशा ही ग्रेटर देन जीरो होगा इसका मतलब ये वाली जो टर्म है ये भी ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए तो टी डेल्टा एस सिस्टम माइनस डेल्टा एच सिस्टम शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन Zero. अब इसको नेगेटिव साइन बाहर कॉमन लेके हम लिखते हैं डेल्टा एच सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम तो दिस शुड बी ग्रेटर देन और अभी हमने डिराइव किया कि डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस क्या होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे उसको हम लिख सकते हैं डेल्टा जी तो नेगेटिव ऑफ डेल्टा जी शुड बी ग्रेटर देन जीरो और डेल्टा जी शुड बी लेस देन जीरो तो किस केस में आया ये फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस तो डिराइव हो गया तो स्पॉन्टेनिटी को हम अब सिर्फ और सिर्फ डेल्टा जी कैलकुलेट करके ही बता सकते हैं तो किसी भी प्रोसेस में अगर डेल्टा जी नेगेटिव आ रहा है तो दैट्स अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और डेल्टा जी अगर ग्रेटर देन जीरो आ रहा होगा तो वो हो जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और अगर डेल्टा जी जीरो आ जाए दैट इज कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है तो ये तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें जो हम लास्ट में याद तो करते हैं इसको ये सभी बच्चों को याद रहता है पर ये क्यों आया कैसे डिराइव हुआ ये पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसको अगर आपको रेफर भी करना तो डायरेक्टली आप एनसीआरटी से इसको पढ़ सकते हो ठीक है तो इतना क्लियर इतना पार्ट क्लियर है अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि गिब्स एनर्जी की और क्या-क्या डेरिवेशनस क्या हैं और भी थोड़ी एडवांस लेवल की डेरिवेशनस हैं जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगी तो दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेसन ओके एंड होपफुली वी विल कंप्लीट दिस पर्टिकुलर चैप्टर इन द नेक्स्ट लेसन ठीक है तो सी इन द नेक्स्ट लेसन थैंक यू हैव अ नाइस डे